आ चुके हैं हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट, ये क्या है? Thousand years later. मास्क खोलिए जरा, अपना चेहरा दिखाइए, हाय बोलिए। हाय, हेलो फ्रेंड्स। हमारी चीफ गेस्ट आ चुकी है, आंटी नमस्ते, हाय बोल दीजिए। हाय। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल टिकिस किचन में। और आज हमारे साथ हैं हमारे चीफ गेस्ट, आपने देख ही लिया है पहले पहले। कौन है ये, आपको पता है ये कौन है? बताओ कौन हो तुम? माय सेल्फ लिपस्टिक पंडित। माय सेल्फ लिपस्टिक पंडित। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये है लिप्सिता पाणिग्रही उर्फ हैप्पी। तो आज हम ये टेस्ट कराएंगे हमारी जो रेसिपी हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो हमारे आज के रेसिपी को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मूली। और मूली को हमने बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अभी हम उसमें डाल रहे हैं नमक हाफ चम्मच के करीब और इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। और मिला लेते ही इसको हम ढक कर रख लेंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा। और अभी करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम जब इसको लेकर आएंगे तो इसमें से पानी रिलीज होगा। इसी तरह से हम इसे निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर बिल्कुल अच्छे से इसको साइड में रख लेंगे। देख सकते हैं आप, हमने इन्हें बिल्कुल अच्छे से हाथों से निचोड़ लिया है और बस इनमें हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे अदरक, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है हल्का सा, और इसमें डालेंगे हम धनिया के पत्ते जिन्हें हमने बारीक काट लिए हैं, और इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं। और ये है अजवाइन, अजवाइन को हम इसी तरह से हाथों से मिला लेंगे और ठीक इसी तरह से अजवाइन को मलने के बाद हम इन्हें यहाँ पे डाल लेंगे। और इसके साथ हम ऐड करेंगे हल्का सा मीट मसाला, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा हल्का सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक यूज़ किया था, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्टफिंग अभी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारे मूली के पराठे के लिए। तो हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या डलने वाला है, इसको गेस करने में वाकई ही बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम इसको ढककर रख लेंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और अभी करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम बना लेंगे हमारे मूली के पराठे। पहले तो उन्हें बेलना है हमें, तो किस तरह से बेलना है वो भी आप सीख लीजिए। वैसे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिया गया बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। देखिए, जब भी हम पराठा बनाते हैं तो एक स्टिफ डो हमें चाहिए होता है, यानी कि हार्ड डो चाहिए होता है, डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको इसी तरह से फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसके अंदर जाएगा स्टफिंग। बिल्कुल अच्छे से इसे स्टफ करें और फिर इसको बंद कर दें बिल्कुल अच्छे से। हम अभी बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे हम।
हमें इन्हें ये जितना पतला हो सके उतना बेल लेना है और फिर हमारा बढ़िया सा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हमें इन्हें सेक लेना है। हर साइड को हमें बिल्कुल अच्छे से कुक करना है और फिर ये दोनों साइड बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ऑयल से भी आप इसको सेक सकते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारे दोनों साइड्स बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। और बटर के साथ इसका जो टेस्ट आने वाला है वो तो एकदम ही मस्त आने वाला है। आलू के पराठे तो आप सबकी फेवरेट ही होंगे और अभी जो सीजन चल रहा है इसमें आप गोभी के पराठे या फिर मूली के पराठे ज़रूर बनाएं। और वैसे भी मूली के पराठे बनाने का रेसिपी तो आपको मिल ही चुका है, तो किस बात की देरी है, ले आइए मूली और बनाइए एकदम ही शानदार रेसिपी मूली के पराठे। बस एकदम ही कम टाइम में बिल्कुल कम मेहनत के साथ हमारा मूली का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं टेस्ट कराने के लिए। वैसे टेस्ट करने के लिए एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको पता लग ही गया होगा, तो चलिए फिर लेकर चलते हैं हमारे मूली के पराठे को और देखते हैं कि ये कैसा लगता है और उन्हें पता चल भी पाता है कि नहीं कि ये मूली के पराठे हैं। और फिर बाकी सारे पराठे भी हम इसी मेथड से बना लेंगे। तो आज हम इन्हें टेस्ट कराएंगे हमारी जो रेसिपी हमने अभी बनाई है, तो चलिए कराते हैं। उससे पहले एक ट्विस्ट है। बड़े हरामी हो बेटा। क्या है वो ट्विस्ट? वो ट्विस्ट ये है कि हम इन्हें ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने क्या खाया। तो आप लोग रेडी है? आप रेडी है? यस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखते हैं हैप्पी मैडम बता पाती है या नहीं। जो मैं देखा जो आखिर बंद। ये कितना है? 5। वाओ। ये 3। ये 1। वाओ। तो हम पेश करते हैं हमारा आज का स्पेशल खाना। तो अभी हैप्पी ये करेंगी कि वो इसको टच करेंगी और हमें बताएंगी कि इसका शेप क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताएंगी कि इसका शेप क्या है और फिर इसको टच करके गैस करेंगी कि ये क्या हो सकता है। वाह वाह बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। थर्ड में क्या होगा? खाना है। खाना फिर खा के ये बताएंगी कि ये क्या खाया है इन्होंने। तो चलो स्टार्ट। ये क्या है? रोटी पराठा समथिंग नान क्या? अच्छा ये गोल गोल है शायद। गोल है? वाह 1 point। ये क्या बटर है? क्या है ये? गीला गीला पानी है? पानी। अच्छा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पानी मतलब रोटी दे रही है मुझे खाने के लिए। कैसा लगा? टेस्टी। बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है? है क्या बताओ? बटर। बटर तो है।
वो जो गीला गीला है वो बटर है। पराठा है शायद। हाँ क्या पराठा है, मेन इंग्रेडिएंट बताना है, मेन चीज यहाँ पे क्या डली। अच्छा सारे इंग्रेडिएंट बताओ तो क्या क्या है इसमें। आटा है आटा। बटर एंड आटा। फिर कुछ तो है, देखो दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। हाँ, ये थर्ड पॉइंट, ये ज्यादा पॉइंट है। एक क्या वन टू खाओ खाओ और खाओ, तुम्हारा ही है खा लो। अच्छा क्या है, गोभी का पराठा या कुछ तो लग रहा है। गोभी तो नहीं है, क्या है क्या है, दिख रहा है क्या? नहीं। इधर से नहीं। वाजेस वेजिटेबल्स क्या है, क्या है? अंडा बताएंगे? नहीं अंडा वाला नहीं है। क्या है? सच्ची है। अरे खाली खा रही है, बता नहीं क्या है। बोलो गेस करो गेस करो। डोंट नो। अच्छा तुम्हें मिलेंगे 5 गेसेस, ठीक है? ओके। फर्स्ट गोभी। रॉन्ग। गाजर। नहीं। नो। पता नहीं है। तीन तीन बाकी तीन। अच्छा अच्छा जो बिना बटर का है वो खा के ट्राई करो। ये हाँ, वाला हाँ, हाँ, ये वाला बिना बटर का है, इसको खा के ट्राई करो। अभी बता देगी देखना। wow! अगर ये 5 अटेम्प्ट्स में नहीं बता पाएंगी तो हम उनका ब्लाइंडफोल्ड निकाल लेंगे। क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अदरक? वो तो यहाँ है नहीं। हाँ है। वो मेन इंग्रेडिएंट नहीं है ना, जिससे बना है वो बताना है। ये थर्ड अटेम्प्ट भी गया। कैप्सिकम? नो। लास्ट लास्ट क्या है, क्या है? प्याज। प्याज की पराठे नहीं है। सेट तो अभी हम इनका ब्लाइंडफोल्ड निकालेंगे और वो फिर ढूंढेंगे क्या है इसके अंदर। ओके ये पराठा खाने का तरीका होता है, ऐसे खाते हैं पराठे। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। नो। तो मैं इनके चैनल का लिंक
नीचे दे दूंगी, आप जरूर सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।